So hey guys, welcome back to the channel. And after 4 months we are back. 4 नहीं 5 months हो गए, जो भी है भाई, we are back. And भाई thanks कि हमारे चैनल पे 566 सब्सक्राइबर हो गए. Let me check एक मिनट, ठीक है वो मैं चेक करके बताता हूँ. एक्चुअली मैं भाई मैं सच बताऊँ, मेरे को कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था और आज भी नहीं मेरे पास कंटेंट. ठीक है 567 हो गए. ये फोकस नहीं लेगा क्योंकि अभी ये मैनुअल मोड में सेट मेरा कैमरा. 567 सब्सक्राइबर्स हो गए. एंड भाई लास्ट हमने वीडियो अपलोड करी थी 5 मंथ्स को. नहीं लेगा आज के दिन तो ये बिल्कुल ही नहीं लेगा. आज फोकस सारा मेरे पे करेगा. तो भाई आज की वीडियो पे मैं आपके लाया हूँ सोनी के PlayStation 4 का जो एक रेड क्रिस्टल कलर का है ना कंट्रोलर आया है मेरे पास. ठीक है लाइक मैंने खरीदा है, मेरे पास आया नहीं, मेरे को कोई भेजता, नेवर माइंड. आज वीडियो में मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ. एंड इस कंट्रोलर को यूज़ करते हुए लगभग मेरे को 1 से 2 दिन हो चुके हैं. ठीक है और आप सोच रहे हो भाई इतनी जल्दी कैसे दूर बता सकते हो, बट भाई जो अभी तक इसे आप फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हो. ठीक है एंड भाई आप सोच रहे हो भाई कंट्रोलर पर कौन वीडियो बनाता है. भाई देखो ये कंट्रोलर बहुत चीप रेट में मेरे को मिला था. लाइक अराउंड 2500 का ये कंट्रोलर मेरे को पड़ा था. एंड भाई देखो कंट्रोलर से कोई इतनी जल्दी वीडियो बनाता नहीं है, बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी कि मैं बना दूँ. मेरे पास कंटेंट वैसे ही नहीं था. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. इज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स. तो भाई ये है कंट्रोलर का बॉक्स. एंड इसकी रियल इमेज मैं आपको दिखा दूंगा. एक्चुअली मैं ये मैंने खोल लिया था. एंड भाई इसका बॉक्स इतना ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर मैंने अपनी सीडियाँ डाल के रखी है PS4 की. तो बॉक्स की बात करें भाई, बॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. एंड रिगार्डिंग द प्राइस ये कंट्रोलर 2500 का. एंड उस हिसाब से इसके बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. एंड यहाँ पे इसके कलर का कई बार मेंशन करा गया है, रेड क्रिस्टल. ठीक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिस्टल रेड जो भी कह लो. एंड और इस बॉक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को. इसमें जो टेक्स्ट दिया गया है वो है उर्दू. एक बार फोकस कर लें. ठीक है इसमें जो टेक्स्ट है वो है आपका उर्दू टेक्स्ट दिया गया है. And now let's talk about the controller itself. तो here I am with the controller. देख लो भाई डिज़ाइन वगैरह. एंड जो भाई अब इसकी सबसे पहली जो भाई इस पर प्रो की बात करते हैं तो इसमें तो सबसे पहली प्रो है भाई इसका डिज़ाइन itself. ठीक है और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यार यहाँ पे जो इसकी वाइब्रेशन मोटर्स है वो कितनी क्लियरली विजिबल है. प्लस जब आप खेलो तो आप इन्हें लाइक वाइब्रेट करते हो देख भी सकते हो. ठीक है एंड ये सिर्फ इस कंट्रोलर की सिर्फ एक ही प्रो लगी अभी तक की मेरे को. बाकी लेट्स टॉक अबाउट दी कॉन्स इटसेल्फ. तो सबसे पहले भाई इसका कंपैरिजन, ये मेरे पास है PS4 का 2013 वर्जन वाला कंट्रोलर है. ठीक है जब PS4 लॉन्च हुआ था. एंड ये ठीक है ये अभी मैंने कुछ दिन पहले खरीदा है. तो भाई सबसे पहला जो डिफरेंस मुझे इन दो कंट्रोलर्स पर लगा वो तो भाई इनका वेट. ठीक है ये ज़्यादा हैवी है और ये कम. एंड भाई इसकी बिल्ड ज़्यादा सॉलिड लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस. ये इसकी भाई कहीं ना कहीं चीप क्वालिटी लगती है बिल्ड. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. तो ये PS4 का टच पैड है. तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना इस वाले कंट्रोलर, देखो कोई आवाज़ नहीं आएगी, बहुत हल्की सी आवाज़ें हैं ना. अब मैं सेम इंटेंसिटी से इस पर क्लिक करूँगा एंड देखना भाई इसके कैसे आवाज़ करेगा कंट्रोलर. ठीक है एंड अब अगर मैं इसकी कीज़ की बात करूँ, ये देखो भाई कीज़ है. अब भाई इस पर देखना भाई अंतर है. एंड ये भाई इस कंट्रोलर की सबसे बड़ी कॉल लगी मेरे को अभी तक. ठीक है भाई कहने का भाई इस कंट्रोलर के डिज़ाइन के चक्कर में इसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है. सो दैट्स ऑल अबाउट द कंट्रोलर. And I hope you guys really enjoyed it and I'll see you guys in the next one. Till then, peace.